जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन होस्ट हिंदी में। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाले उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम जो है वैकेंसी निकाला गया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, उसका एडमिट कार्ड दोस्तों जो है वो जारी हो गया। एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करना है हम आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बनाइएगा जिससे कि आपको कंप्लीट जानकारी एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के बारे में मिल सके। दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि एडमिट कार्ड जो है वो मतलब एग्जाम सेंटर्स पर आपको एडमिट कार्ड के साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जो है वो रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट की वो लेके जाना है हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं आपको नेम ऑफ एडवर्टाइजिंग में आप सिंपली आपको यहाँ पे देखने के लिए कुछ इस प्रकार से मिलेगा। यहाँ पे आपको जो है वो एडमिट कार्ड फॉर द फॉरेस्ट गार्ड, इसके सामने ही आपका जो है वो अप्लाई वाले सेक्शन में आपको क्लिक हियर फॉर एडमिट कार्ड दिखेगा। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे जो है 9 तारीख तक आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं आपके मोबाइल पर मैसेज भी आया होगा, आपके मोबाइल पर मैसेज कुछ इस प्रकार से आया होगा कि एडमिट कार्ड जो है आपका एग्जाम जो है पढ़ने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको क्लिक हियर फॉर एडमिट कार्ड वाले सेक्शन पर सिंपली जो है वो क्लिक करना होता है। तो क्लिक करने के बाद आपसे जो है कुछ जो है जानकारी पूछी जाएंगी। यहाँ पे देख सकते हैं लॉग इन विथ ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, और लॉग इन विथ एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, लॉग इन विथ नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मतलब आपसे तीन चीजें यहाँ से पूछी जा रही है। मतलब तीनों चीजों से आपको ईमेल आईडी, पासवर्ड या एप्लीकेशन नंबर हो या डेट ऑफ बर्थ हो या नेम हो या फादर्स नेम हो और डेट ऑफ बर्थ हो, तो मतलब आप तीन इन सभी में से किसी एक का इस्तेमाल करके आप अपने इमेज जो है एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम आपको बता देते हैं ईमेल आईडी हो तो उससे करिए, वरना आप सबसे सिंपल मेथड जो होता है वो नेम, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ के यहाँ सबसे नीचे वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। मतलब आपको अपना नाम और अपने फादर्स का नेम, उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। और यहाँ पे देख सकते हैं अपना नाम फिल करेंगे, फादर्स नेम फिल करेंगे, उसके बाद अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है वो कैलेंडर के माध्यम से कुछ इस प्रकार से आपको जो है फिल करना होता है। उसके बाद अपना जो है जो भी यहाँ पे कैप्चा दिया हुआ था, जो भी यहाँ पे कैप्चा होता है उस कैप्चा को सिक्योरिटी के में सिंपली फिल करना है, और जो है लॉगिन सेक्शन पे सिंपली जो है वो दबा देना है। मतलब लॉगिन सेक्शन पे जैसे ही लॉगिन करेंगे आपके सामने कुछ डैशबोर्ड खुल के आएगा, देख सकते हैं यहाँ पे आपका डैशबोर्ड कुछ प्रकार से दिखेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं आपका सारी जानकारी यहाँ पे आपकी दी हुई है, तो नाम, पता, एड्रेस वगैरह सारी चीजें आपको यहाँ पे आपको फोटो सिग्नेचर आपका भी देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे सबसे ऊपरी आपको दिया हुआ है डाउनलोड प्रिंट एडमिट कार्ड, यहाँ पे देख सकते कुछ इस प्रकार से आपको सेक्शन देखने के लिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा कि मतलब आपको जो है अपना एडमिट कार्ड को प्रिंट करना है, डाउनलोड करना है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए क्रोम ब्राउजर का उपयोग कर क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल करके आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने हो सकता है एडमिट कार्ड खुल के, वरना आपका एडमिट कार्ड डायरेक्टली वो जो है वो मतलब डाउनलोड करने के लिए आ जाता है। अगर नहीं आता है तो सिंपली आपको प्रिंट का ऑप्शन बनेगा, प्रिंट करके आप अपने एडमिट कार्ड को अपने जो है गैलरी में सेव कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप एडमिट कार्ड को क्रोम ब्राउजर से जो है डाउनलोड करेंगे तभी आपका एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड होगा। यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली आप जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से जो है ऑप्शन खुल के आएगा प्रिंट प्रीव्यू का। तो आपको करना क्या है, सिंपली जो है सेव एज पीडीएफ पे यहाँ पे क्लिक कर लेना, सेव एज पीडीएफ आपके सामने यहाँ पे आ रहा होगा, सिंपली सेव एज पीडीएफ करेंगे आपका एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड होकर आपकी गैलरी और फोल्डर में आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपका एडमिट कार्ड कुछ इस प्रकार से आपके सामने खुल के आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपका एडमिट कार्ड जो है आपका नाम वगैरह, आपके फादर्स नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है, आपका नेम ऑफ एग्जामिनेशन, रोल नंबर, यूजर आईडी, सारी जानकारी आपके यहाँ ऊपर वाले सेक्शन में दिया होता है, और आपका फोटो सिग्नेचर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे एग्जाम प्रोग्राम में आ जाते हैं। एग्जाम प्रोग्राम में आपको यहाँ पे आपकी जो है वो डेट देखने के लिए मिलेगी, मतलब आपका एग्जाम जो है वो किस डेट में और दिन में पढ़ा है आपको देख सकते हैं 9 अप्रैल 2023 यहाँ जैसा कि मेरा दिखा रहा है। यहाँ पर आपको जो है अपनी टाइमिंग देखने के लिए मिल जाएगी, टाइमिंग के बाद आपका एग्जामिनेशन का टाइप देखने में, मतलब आपका एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है। दोस्तों आपका एग्जाम जो है मार्क होगा मतलब ऑफलाइन होने वाला है, और आपका एग्जामिनेशन जो है वो सब्जेक्ट वाइज मतलब नेम वगैरह यहाँ पे आपको कोड वगैरह यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज, उत्तराखंड रिलेटेड और वेरियस नॉलेज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको सेंटर का नॉलेज भी यहाँ पे आपको देख सकते हैं, नेम सेंटर आपको दिया होगा, सेंटर नेम एंड सेंटर कोड आपको यहाँ पे आपका सेंटर का नेम है और सेंटर का ये 235-2 है, ये सेंटर का कोड है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हमारा जो है वो एग्जाम सेंटर्स पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। दोस्तों हम आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे जो आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है वो सबसे पहले आपका आ जाता है वो एडमिट कार्ड आ जाता है। सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड को जो है कलर या जो है ब्लैक एंड व्हाइट आपको मैटर नहीं करता, आप ब्लैक एंड व्हाइट भी निकलवा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको एडमिट कार्ड सबसे पहले निकलवा लेना है।
उसके साथ अपने आपने जो भी आईडी लगाई है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उस आईडी की एक फोटो कापी करवा लीजिए, मतलब एक से दो फोटो कापी ले लीजिए, इसमें नोटिफिकेशन में बोला गया है, मतलब आप एक फोटो कापी करवा लीजिए एडमिट कार्ड के साथ में, अपनी आईडी, आईडी की फोटो कापी और ओरिजिनल भी आईडी की रख लीजिएगा। अगर आपका फोटो सिग्नेचर, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, फोटो और सिग्नेचर अगर आपका मिसमैच है या दिख नहीं रहा है, तो आप अपने साथ जो है दो फोटो जरूर रख लीजिएगा, दो फोटो रख लीजिएगा। और उसके साथ ही साथ आपको जो है वो अपने साथ जो है वो ब्लैक हो गया या जो है ब्लू, मतलब ब्लैक या ब्लू कलर की आपको जो पेन रख लेनी है, ब्लैक बॉल पॉइंट, जो बॉल पॉइंट की पेन होती है, जेल नहीं होनी चाहिए, वो ब्लैक और ब्लू जो दो पेन हो वो कोई भी आपको रख लेना है। और ध्यान रहे आपको जो है कोई भी पेंसिल वगैरह या रेजर वगैरह आपको एग्जाम सेंटर्स पे जो ले जाने की वो परमिशन नहीं दी जाएगी। दोस्तों आपका एग्जाम जो है वो OMR पे होने वाला है, OMR बेस्ड पे होने वाला है, यानी ऑफलाइन होने वाला है, इस बात को आपको जो ध्यान रखना है। तो आपको हम फिर से एक बार बताना चाहेंगे, आपको एग्जाम सेंटर्स पे जो है वो आपको एडमिट कार्ड हो गया, आपका एडमिट कार्ड के साथ में आपकी एक आईडी होगी, आईडी के साथ में साथ आप जो है अपनी आईडी की जो है फोटो स्टेट एक ले लीजिएगा, आपकी ओरिजिनल आईडी तो रहेगी जो भी आपने लगा, उसके साथ फोटो स्टेट जो है वो जरूरी है, इसमें बोला गया है। और साथ ही साथ अगर आपको फोटो वगैरह दिक्कत है और नहीं भी है, तो आप जो है अपने साथ जो है वो दो फोटो यहाँ पे रख लीजिए, दो फोटो रखने से आपका जो है वो आसान हो जाता है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हो जाएगा। उसके साथ ही साथ आपको जो पेन वगैरह वो आपको अपने साथ में ब्लू या ब्लैक जो है वो दो पेन वहाँ पे ले जाने की जो है वो परमिशन दी जाती है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लेके जाना है, इतने भी मैंने यहाँ पे आईडी बताई है, डॉक्यूमेंट्स बताया है, इन सभी को आपको अपने साथ में वहाँ पे कैरी करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने की, एग्जाम सेंटर्स पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने की। दोस्तों आई होप आपको सभी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर पूछिएगा, आपके पूरे पूरे सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें कि एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करना है, प्रॉपर तरीका मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, कोई कन्फ्यूजन होने वाली वो बात नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।